नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। रविवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जहां देश विदेश के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे देश में खुशी का माहौल नजर आया, ऐसे में लखनऊ में भी जमकर उत्साह दिखा। सहारा स्टेट लखनऊ में जश्न का माहौल इस कदर छाया कि लोग खुशी का इजहार करने से खुद को रोक नहीं पाए। देखिए पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण पर क्या बोले सहारा स्टेट के लोग। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं हर्षोल्लास का दिन है। और आज हम इस समय जानकीपुरम यानी लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सहारा स्टेट में मौजूद है और यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं से हम जानेंगे कि आखिर वो जीत का श्रेय और जो जीत का जश्न है वो किस तरीके से मना रहे हैं, क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो तीसरी बार सरकार बन रहा है ये पूरा श्रेय किसको जाता है, जो आज खुशी के माहौल में आप लोग। माननीय मोदी जी को ही इसका श्रेय जाता है, उन्हीं के पदचिन्हों पर चल के कार्यकर्ताओं ने इतना जोश भरा है और जिस तरीके से देश में एक बार फिर राष्ट्रवाद की लहर आई है, ये तभी संभव हो पाया है जब मोदी जी का विजन जो था विकसित भारत का, उसको लेके हर जगह से लोगों ने उत्साह दिखाया और बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दी और NDA को 292 सीटें देकर सत्ता में पहुंचा दिया। और ये रिकॉर्ड है, तीसरी बार कोई भी कांग्रेस से हटके प्रधानमंत्री बना है। कैसा लग रहा है आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं? आज बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश में पूरे जय जयकार हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री ये तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, आज ये बेहद खुशी का मौका है। आज पूरा देश मोदीमय मोदीमय है। तो अब क्या लगता है कि कुछ बदलाव फिर से होने वाला है जिस तरीके सरकार बनी है? अब और अच्छा बदलाव होगा और विकास के काम अच्छे अच्छे होंगे और इसके बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और बढ़िया। अब इसके बाद आने वाला विधानसभा चुनाव इससे और बढ़िया उस पर आएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक, आज भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसके बाद मोदी जी ने शपथ लिया है, और आप कौन सी जगह पर हैं, किस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है? मैं सहारा स्टेट पर हूँ, मेरा नाम अखिलेश सिंह राठौर है, मैं यहाँ का बूथ महामंत्री हूँ। मोदी जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री हम लोगों ने जो है यहाँ जीत का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी स्थान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल। बहुत बहुत बधाई, और आज पूरा देश आशीर्वादित है और हम सम्मिलित हैं कि आज मोदी जी तीसरी बार इस महान लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने हैं। और थोड़ी विसंगतता जरूर आई, जिसका हम लोग निराकरण करेंगे, जिसे हमारे निशालकर कह रहे हैं, और निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और अगले 100 दिन का जो रोडमैप मोदी जी ने दिया है उसको बहुत अच्छा काम होगा और 5 साल तक ये सरकार चलेगी, बखूबी चलेगी, और देश को फिर हम लोग जो है जैसे मोदी जी ने संकल्प लिया कि तीसरी हम आर्थिक शक्ति हमारी बनेगी, वो तीसरी आर्थिक शक्ति बन के रहेगी, क्योंकि भारतीयों का योगदान बढ़ चढ़ कर हो रहा है और समाज में जो विसंगतियाँ हैं, जो कारण हैं हारने के, उसका निराकरण किया जाएगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और अटल जी की कविता की रार नहीं छाड़ेंगे, काल के कपाल को लिखते मिटाते हुए, तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी विसंगतियाँ हैं उसको दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय श्री राम जय भारत। इस तरीके से सबकी बार भारत में फिर से नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बन रही है, खुशी का माहौल है, आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत अपार खुशी है, जन जन में बहुत ही प्रसन्नता है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूरी था और वो बने। भगवान बजरंग बली इन दोनों को स्वस्थ और मस्त रखे, क्योंकि यही दो ऐसे हैं पूरे भारत में जिनको कोई एक पैसे का लालच नहीं। जय श्री राम जय श्री राम। हमारे हिंदू धर्म को और राष्ट्रवाद को कोई खतरा नहीं रह गया है। आने वाले समय में विकसित भारत के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा वो सफल होगा और हम लोग फिर अच्छे से और आराम से जीवन जी पाएंगे। रोड, सड़कें और इन सब चीज़ का जो विस्तार हुआ है, चाहे वो
कई सारी योजनाएं हैं, उन सब में जो जिस तरीके से मोदी जी ने 24 घंटा दिनों रात मिलकर काम किया है, सभी मंत्रियों ने, कोई मंत्री छुट्टी नहीं लेता किसी ने नहीं लिया है, इसी कारण बस ये संभव हो पाया है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब की बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अब की बार सीटें कम हुई, क्या ऐसा कारण रहा, फिर भी जीत की खुशी लोग मना रहे हैं? इसलिए कि देखिए कुछ चीज़ें नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, योगी और मोदी जी हमारे हैं जो हमेशा ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की महिलाएं, सारी सड़कें, सारी योजनाएं योगी मोदी के रहने से देश बहुत सुरक्षित है, और मैं चाहूँगा कि दोनों लोग स्वस्थ और मस्त रहें, आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए दो ही रहें, क्योंकि दो ही हैं जिनको कोई लालच नहीं है, इस देश के प्रति कोई लालच नहीं है, ये देश के हित में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए हैं, ये पूरा भारत वर्ष चल रहा है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, सरकार तो हमारी ही बन रही है। वाह, क्या बात, माता की जय। क्या उत्साह है, किस लिए उत्साह है? अच्छा लग रहा है, नरेंद्र जी मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आज। शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, और इससे अच्छा क्या लगेगा, भगवान माता की जय। क्या बात, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे दिवाली जैसा मनाया जा रहा है, हर बार ऐसा होगा, चाहती हूँ ऐसी दिवाली मनाई जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सभी लोगों के, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से उन्होंने पहले अपना कार्यभार संभाला है, उससे भी आगे बढ़ करके वो सारा कार्य करेंगे, और सबकी सेवा। जीत का श्रेय किसको जा रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार शपथ ग्रहण हो रहा है, और बहुत अच्छा अरेंज किया है यहाँ के सहारा के स्टेट के निवासियों ने, बहुत अच्छा हो रहा, बहुत खुशी हो रही है। क्या लग रहा है माता जी, आप झंडा लेके खड़े हैं, कैसा लग रहा है विजय? शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग आज सहारा स्टेट में एक साथ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारी पार्षद भी जी हमारे साथ हैं, और सारे लोग बहुत उत्साहित हैं, यहाँ पर बहुत सारी आतिशबाजी की गई, सारी महिलाएं आई, सब हमारी कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं। क्या लग रहा है, तीसरी बार सरकार मोदी जी की बन रही है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत उत्साहित हैं, और क्या लग रहा है आज जीत की खुशी किस तरह मना रही है आप लोग? इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि मोदी जी प्रधानमंत्री। बड़ी खुशी है आज, खुशी का दिन है हमारे लिए, हम सब लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार उनकी सरकार बन गई है, और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का दिन का है। आगे जैसा उन्होंने काम किया है उससे बहुत अच्छा आगे, हम सब लोग उनके साथ हैं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखा जाए तो मोदी सरकार 3.0 के गठन पर देश में जगह जगह भाजपाइयों में उत्साह है। इस अवसर पर देश में भाजपाइयों ने जगह जगह कार्यक्रम किए, सड़कों पर मोदी सरकार के गठन का जश्न दिखाई दिया। वहीं लोगों का मानना है कि भारत अब तक विश्व बंधु के रूप में करता रहा है, और इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।